अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप बैंक से कार लेना चाहते हैं लोन पे, तो मैं इस वीडियो में आपको उसी का तरीका कार बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है बैंक से कार लोन पे ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसकी लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे उस लिंक पे जाएंगे, उस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ब्रांचेस आ जाएंगी। टोटल जो होंगी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपके पास ऐसे ब्रांचेस आ जाएंगी जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, जो जो बैंक पे लोन दे रही हैं, लोन पे कार्ड दे रही हैं, वो बैंक जो है सारी की सारी ये आ गई हैं, जिनमें बैंक अल्फला है, एमसीबी है, एचबीएल है, यूबीएल है, जो भी आपके पास जो करीबी बैंक पड़ती हो आपने उस बैंक की डिटेल में जाना है। अब मैं कोई भी बैंक खोल लेता हूँ, मैं यूबीएल ओपन कर लेता हूँ, लेकिन ये आपको कार लें और लोन पे लेने से पहले आपका उसी बैंक में अकाउंट होना ये ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने सर यहाँ पे कैलकुलेट प्लान पे करना है, यहाँ पे आप ये कंफर्म कर दें, यहाँ पे यूज़ भी मिल जाएगी, न्यू भी मिल जाएगी, जो भी आप लेना चाहें। हम न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है कि कौन सा मॉडल आपको चाहिए। मैं कोई भी सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सजुकी की कर लेते हैं, सजुकी कल्टस VXL कर लेते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी सिटी कौन सी है, जो भी आपकी सिटी हो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी हो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अब बता सकते हैं कि आपको कितने साल की लोन पे चाहिए, मतलब आपको एक साल के लोन पे चाहिए, दो साल के लोन पे चाहिए, तीन साल के लोन पे, कितने साल के लोन पे चाहिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 साल तक लिमिट है, मतलब आप 7 साल तक जो है लोन पे ले सकते हैं। आपको हर माह जो है वो पेमेंट जो होगी मुकर्रर वही अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे 1 साल कर लेता हूँ। और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है आप कितनी देना चाहते हैं, 15% देना चाहते हैं, 20% देना चाहते हैं, 25%, जो भी है आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कैलकुलेट करें, यहाँ पे ये देखें दोस्तों, टोटल कीमत जो है इसकी 14 लाख है। अब यहाँ पर जो है बैंक आपसे लेगी, जो उसी वक्त लेगी वो लेगी 2,73,000। उसके बाद जो है ये 1 साल के लिए, ये जो पेमेंट है ये 1 साल के लिए लेंगे, हर माह इतनी पेमेंट आपसे लेंगे, ये हर माह इतनी पेमेंट लेंगे। मैंने एक ही माह 1 साल का लिखा है तो 1 साल की पेमेंट आ गई है। अब यहाँ पे आप जो है बढ़ा भी सकते हैं, मैं अब कर लेता हूँ 7 साल तक कर लेता हूँ, 5 साल तक कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 5 साल होगी तो 2,73,000 ये जो है उसी वक्त बैंक लेगी, लेकिन ज़रूरी है आपका उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये 5 साल की जो है पेमेंट हर माह जो है इतनी इतनी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपने ये सब कुछ देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है, ये जो है अपना नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये वो बैंक जो है आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेगी, वो खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और जो चीज़ होगी वो आपको सब कुछ बताएगी। इस तरह से आप जो है लोन पर कार ले सकते हैं। जो इसकी वेबसाइट है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है इसकी लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आके सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी कार लेनी है और उसकी क्या 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 चीज़ बन रही है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।